17 मार्च को हुई कथित बालिका हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। मामला उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी के थाना एलाऊ क्षेत्र का है, जहां ग्राम नगला लालमन में एक घटना को अंजाम दिया गया था। यहां कल्पना पुत्री फेरू सिंह की गोली मारकर 17 मार्च को हत्या की गई थी। इस हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। देखिए, 17 मार्च की सुबह लगभग 11 बजे हमारे एसओ को मोबाइल पर एक ग्रामीण द्वारा ही सूचना प्राप्त हुई कि एक बालिका का शव एक खेत में पड़ा हुआ है, उस पर गोली का निशान है और घटनास्थल पर कुछ संघर्ष के निशान, जैसे कि उसका हाथ को देखकर पता चल रहा था। तत्काल सभी उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे, क्योंकि बालिका संबंधित घटना थी और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी बालिका संबंधी घटना को बहुत ही सीरियसली और बहुत ही गंभीरता से लेना है। तत्काल जो रेंज और जोन के सभी उच्चाधिकारी हैं, उनके द्वारा इसका संज्ञान लिया गया। फॉरेंसिक टीम और हम सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसमें कई प्रकार की बातें इवन मीडिया तक में रिपोर्ट हो रही थी, उन सभी के बीच दो लोगों को नामजद FIR परिवार वालों द्वारा कराई गई। उनसे जब बैठकर वार्ता की गई, उन्हें समझाया गया, तो बहुत अच्छे लोग वो लोग हैं, भले ही काफ़ी दुख से निकले, लेकिन उन्होंने हमारी बात को माना कि हमें थोड़ा समय से इन्वेस्टिगेशन करने दिया जाए, समय देकर, जिससे कोई निर्दोष जेल ना जाए। जो समय मिला उसमें हमारी स्वाट टीम और सर्विलांस टीम ने लगातार मेहनत की, तो एक हमें नंबर प्राप्त हुआ जिसका कि बालिका से लगातार बातचीत थी। वो नंबर, ये जो पीछे अभियुक्त खड़ा है अजब सिंह, इसका था। ये उसी गांव का रहने वाला है, ये शादीशुदा व्यक्ति है, परंतु कई दिनों से उसके साथ इसके चुपके संबंध थे और इन्हीं संबंधों को लेकर ये लोग मिला करते थे। ये लड़का उस लड़की का रिचार्ज इत्यादि भी कराया करता था और फ़ोन इत्यादि भी ये लोग बात करते रहते थे। एक दिन 16 तारीख की शाम को इस लड़के ने जब उसको फ़ोन किया, तो थोड़ी देर बाद उस लड़की ने फ़ोन काट दिया, और जब इसने दोबारा फ़ोन किया तो वो फ़ोन वेटिंग पर आते रहा। इस बात को लेकर इसको गुस्सा आया और इसने उस लड़की को अनफ्रेंड किया, और उसी में जो तमंचा इसने अभी 3 महीने पहले खरीदा था, उसको दो लोग पसंद कर रहे कहाँ से खरीदा था, उसी को कलपटी पर रखकर इसने गोली मार दी। इसके बाद इसने बहुत स्वांग रचाया। ये थाना बिल्हौर पड़ता है कानपुर नगर में, वहाँ पर अस्पताल में भर्ती हुआ, वहाँ से डिस्चार्ज कराकर तिरवा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुआ। जाकर इसने स्वयं को सिर पर चोट लगाई, अपने सीने पर अपने नाखूनों से निशान बनाए, अपने कपड़े स्वयं फाड़े, कई लोगों को इसने गुमराह किया। बीच में बहुत ही दो अच्छे लड़के इसे कानपुर मिले, उन्होंने इसे कोल्ड ड्रिंक पिलाई, समोसा खिलाया, इसकी हालत देखते हुए हॉस्पिटल से छोड़ा, परंतु इसने उन्हें गुमराह किया और उनको उनकी भलाई का नाजायज़ फ़ायदा इसने उठाया। और इसने सभी को गुमराह करते हुए एक स्वांग रचा। डॉक्टरों को इसने बताया कि हमारा ऐसे ऐसे हमको मार पीट कर ओमनी गाड़ी में ये लोग डाल कर ले गए थे। इसने लड़की के भाइयों पर आरोप लगाने की कोशिश की, परंतु इसने जो बताया कि ओमनी गाड़ी, तो हमारी स्वाट टीम को तत्काल लगाया गया। और जो चौराहे पड़ते हैं, जिन पर कि अभी आप लोग को ज्ञात होगा कि जनपद मैनपुरी में काफ़ी सारे CCTV लगवाए गए हैं, तो उसी एक CCTV में जो चौराहे पर लगा हुआ है, उसको 5 बजे से 6 बजे तक बीच में हमने देखा, तो कोई ओमनी गाड़ी निकलती नहीं नजर आई। और कुछ और तथ्य जो इसके द्वारा बताए जा रहे थे वो घटनास्थल से मेल नहीं खा रहे थे, तो उनके आधार पर जब इससे पूछताछ हुई तो इसने घटना का कबूल किया है। तमंचा हमें जो एक्चुअल तमंचा है वो बरामद कराया है। इसके मोबाइल का जिससे बात होती थी, वो मोबाइल इसने कहीं नहर में फेंक दिया है, वो नहीं प्राप्त हो पाया, तो हम लोगों ने डिब्बा रिकवर किया है, जिससे कि वो IMAI जो है विवेचना में शामिल की जाएगी, जिससे कि इसको सजा हो। जानकारी के मुताबिक कल्पना को सिरफिरे आशिक अजब सिंह ने मारा था। ये सिरफिरा हत्या के बाद खुद को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करा बैठा, लेकिन काफ़ी प्रयासों के बाद एलाऊ पुलिस से अपने आप को नहीं बचा पाया।